One of these statements may be the effect of other statement. Read both the statements and decide which of the following answer choice correctly depicts the relationship between these two statements. Statement 1. Importance of yoga and exercise is being realized by all sections of society. Statement 2. देयर इज एन इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट हेल्थ इन द सोसाइटी पर्टिकुलरली अमंगयर इज एन इंक्रीज देयर इज एन इंक्रीजिंग अवेयरनेस देयर इज एन इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट हेल्थ अवेयरनेस अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस अबाउट हेल्थ यहाँ पर जो अवेयरनेस है वो हेल्थ के रिगार्डिंग मिडिल क्लास में मिडिल एज ग्रुप में बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है यहाँ पर आ गया आपके पास अवेयरनेस ठीक है देन नेक्स्ट देखिये अबाउट हेल्थ इन अबाउट हेल्थ इन द सोसाइटी अबाउट हेल्थ इन मिडिल एज ग्रुप पीपल इन मिडिल एज ग्रुप पीपल अगर मिडिल एज ग्रुप में ये अवेयरनेस पहुंचती है तो सब में पहुंच जाएगी तो यहाँ पर ये कॉज है यहाँ पर ये कॉज है जिसका इफेक्ट हो गया यहाँ पर जिसका इफेक्ट क्या है जिसका इफेक्ट जो है स्टेटमेंट वन है तो स्टेटमेंट वन से इम्पोर्टेंस ऑफ योगा इम्पोर्टेंस ऑफ योगा एंड एक्सरसाइज इम्पोर्टेंस ऑफ योगा एंड योगा एंड एक्सरसाइज इम्पोर्टेंस ऑफ योगा एंड एक्सरसाइज योगा एंड एक्सरसाइज एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट ऑफ योगा एंड एक्सरसाइज इज बींग रियलाइज्ड बाई ऑल इज बींग बींग रियलाइज्ड बाई ऑल रियलाइज बाय ऑल सभी लोग अब जो है किसका ध्यान रख रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ योगा योगा का इम्पोर्टेंस सभी लोग समझ रहे हैं तो so यहाँ पर क्या रीजन था उसका बिकॉज यहाँ पर जो मिडिल एज क्लास ग्रुप थी जो यहाँ पर मिडिल एज ग्रुप है उसको जो है उसको समझ में आ गया है कि क्या है क्या इंपॉर्टेंस है योगा एंड एक्सरसाइज का इसीलिए सोसाइटी के सभी लोग जो है योगा और एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट समझ चुके हैं तो यहाँ पर आपके पास स्टेटमेंट टू कॉजे स्टेटमेंट टू इज द कॉज एंड दंबर टू इज द करेक्ट आंसर थैंक यू क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटअ या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर